Hello friends, I hope you all are well. So welcome to the official Handshake Medical YouTube channel. I, Kritika Dwivedi, is again here with you to guide you. Today, I am going to deal with the very important topic, that is erythropoiesis. So be with me from start to end to command this topic. So without any delay, let's get started. तो एरिथ्रोपोइसिस इस टॉपिक को मैं दो लेक्चर्स में कवर करूंगी, ठीक है। पहले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि ये किस में और कहां कहां होती है, और दूसरे लेक्चर में हम ये बताएंगे कि ये कैसे होती है, इसके स्टेजेस को बताएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। एरिथ्रोपोइसिस होती क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट। तीन चीज याद रखें, क्या क्या? इट इज द प्रोसेस ऑफ, फर्स्ट वन ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये तीन स्टेजेस में इसको डिवाइड करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम कि इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, फीटल लाइफ में एरिथ्रोपोइसिस कहाँ होती है, ठीक है। फिर देखेंगे चिल्ड्रंस में कहाँ होती है, फिर देखेंगे एडल्ट्स में कहाँ होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट इन IUL, इंट्रा यूट्राइन लाइफ और फीटल लाइफ, ठीक है। और सेकंड देखेंगे हम चिल्ड्रंस में, फिर देखेंगे एडल्ट्स में। तो इंट्रा यूट्राइन लाइफ को भी तीन स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। 9 मंथ के अकॉर्डिंग इसको तीन स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से स्टेजेस देखते हैं? फर्स्ट स्टेजेस मीजोब्लास्टिक स्टेज, ठीक है। फर्स्ट स्टेज इज मीजोब्लास्टिक स्टेज, सेकेंड स्टेज इज, सेकेंड स्टेज क्या है? हेपेटिक स्टेज। एंड थर्ड स्टेज इज माइलोइड स्टेज, ठीक है। थर्ड स्टेज क्या है? माइलोइड स्टेज। तो मीजोब्लास्टिक स्टेज में हम देखते हैं कि कहां से आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो मीजोब्लास्टिक स्टेज में इसको ये कब होता है? तो फर्स्ट 2 मंथ ऑफ IUL, फर्स्ट 2 मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ में को हम मीजोब्लास्टिक स्टेज के अंदर रखते हैं। इसमें क्या आता है? फर्स्ट 2 मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट 2 मंथ में इंट्रा यूट्राइन लाइफ में कहां से आरबीसी का फॉर्मेशन होता है? तो आरबीसी प्रोड्यूस फ्रॉम मीजेनकाइम ऑफ योर्क सैक एंड एरिया वेस्क्यूलोसा, ठीक है। इंट्रा यूट्राइन लाइफ की हम बात कर रहे हैं, इसमें हमने तीन स्टेजेस को देखा, इसको तीन स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, मीजोब्लास्टिक स्टेज, हेपेटिक स्टेज और माइलोइड स्टेज, ठीक है। मीजोब्लास्टिक स्टेज किसको कहते हैं? फर्स्ट 2 मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ ये मीजोब्लास्टिक स्टेज के अंदर आता है, ठीक है। इसमें आरबीसी कहां से प्रोड्यूस होती है? आरबीसी प्रोड्यूस फ्रॉम मीजेनकाइम ऑफ योर्क सैक एंड एरिया वेस्क्यूलोसा। एरिया वेस्क्यूलोसा क्या है? जो ब्लड वेसल की वॉल होती है उसी को हम एरिया वेस्क्यूलोसा बोलते हैं, ठीक है। अब हेपेटिक स्टेज, हेपेटिक इसके नाम से ही पता चल रहा है, हेपेटिक वर्ड किसके लिए यूज होता है? लिवर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो हेपेटिक स्टेज में ये हम देख लिए सबसे पहले कि फर्स्ट 2 मंथ में कहां से हो रहा है। हेपेटिक स्टेज में हम बात करते हैं कि आफ्टर 3 मंथ
ये फर्स्ट टू मंथ या फर्स्ट थ्री मंथ भी कर सकते हैं. हेपेटिक स्टेज में आफ्टर थ्री मंथ की बात होती है कि बच्चों जो इन्फेंट है मतलब जो फीटस है उसमें आफ्टर थ्री मंथ में कहाँ से इरिथ्रोपोइसिस हो रही है, कहाँ से ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है. तो हेपेटिक स्टेज में ब्लड का फॉर्मेशन होता है लिवर और स्प्लीन से. कहाँ से? लिवर से और स्प्लीन से. एंड थर्ड वन इज माइलोइड स्टेज. माइलोइड स्टेज में लास्ट के थ्री मंथ में जहाँ से फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग माइलोइड स्टेज में रखे हैं. ठीक है, माइलोइड स्टेज में किसकी बात करते हैं हम? लास्ट थ्री मंथ ऑफ व्हाट? इंट्रायूट्राइन लाइफ. ठीक है, तो इस समय आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? रेड बोन मैरो से होता है. रेड बोन मैरो से होता है. ठीक है, अब हम देखते हैं चिल्ड्रंस की. चिल्ड्रंस में कहाँ से होता है? चिल्ड्रंस में आरबीसी का फॉर्मेशन ऑल बोन्स से होता है. चिल्ड्रन में कहाँ से होता है? ऑल बोन्स. ऑल बोन्स में भी कंडीशन है कि चिल्ड्रन में कहाँ से? चिल्ड्रन का पहले तो हम लोग देखिए कि सारे बोन्स से आरबीसी का फॉर्मेशन होता है बच्चों में, लेकिन कंडीशन है इसमें भी कि कौन कौन से ऐसी बोन होती है जिसमें से आरबीसी का फॉर्मेशन होता है. तो दैट बोन, ओनली दैट बोन विच कंटेन रेड बोन मैरो. जिस भी बोन में रेड बोन मैरो होंगी वहीं से बच्चों में आरबीसी का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, और इसमें लिवर और स्प्लीन से भी फॉर्मेशन होता है. चिल्ड्रन में लिवर एंड स्प्लीन से भी आरबीसी का फॉर्मेशन होता है. अब हम देखते हैं एडल्ट्स की. अगर हम बात करते हैं कि एडल्ट्स में कहाँ से आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, तो एडल्ट हम बोलेंगे किसको? मतलब आफ्टर 18 टू 20 ईयर की अगर हम बात करेंगे तो उस वो एडल्ट में आएगा. ठीक है, तो आफ्टर 18 टू 20 ईयर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है रेड बोन मैरो से. ठीक है, ये हमारा इरिथ्रोपोइसिस यहाँ कंप्लीट हुआ. फिर से इसको एक बार हम ब्रीफ कर देते हैं. सबसे पहले इरिथ्रोपोइसिस हम जाने कि इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है. इट इज द प्रोसेस, तीन चीज इसमें याद रखेंगे, ओरिजिन, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन. सो व्हाट इज इरिथ्रोपोइसिस? इट इज द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स. फिर हम इरिथ्रोपोइसिस को तीन जगह देखते हैं कि किनमें कहाँ कहाँ से आरबीसी का फॉर्मेशन होता है. तो सबसे पहले हमने इंट्रायूट्राइन लाइफ की बात की, फीटल लाइफ की बात की. तो फीटल लाइफ को हमने फिर फर्दर तीन स्टेजेस में डिवाइड किया. कौन कौन से स्टेजेस? फर्स्ट वन इज मीजोब्लास्टिक स्टेज, सेकंड हेपेटिक स्टेज एंड थर्ड वन इज माइलोइड स्टेज. मीजोब्लास्टिक स्टेज में इंट्रायूट्राइन लाइफ में फर्स्ट टू टू थ्री मंथ को हम लेते हैं मीजोब्लास्टिक स्टेज में. इसमें आरबीसी का फॉर्मेशन मीजेनकाइम ऑफ यॉर्क सैक या एरिया वेस्क्युलोसा होता है. ठीक है, एरिया वेस्क्युलोसा क्या होती है? ब्लड वेसल की वॉल को एरिया वेस्क्युलोसा बोलते हैं. फिर हम इंट्रायूट्राइन लाइफ में सेकंड स्टेज को देखें जो कि होता है हिपैटिक स्टेज. इनमें इरिथ्रोवाइसिस कहाँ से होती है? लिवर और स्प्लीन से होती है. इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है. ये आफ्टर थ्री मंथ. हिपैटिक स्टेज कब होता है? आफ्टर थ्री मंथ ऑफ वॉट? IUL, इंट्रायूट्राइन लाइफ. एंड थर्ड स्टेज इसका देखते हैं इंट्रायूट्राइन लाइफ का, तो ये होता है माइलोइड स्टेज. माइलोइड स्टेज लास्ट थ्री मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ माइलोइड स्टेज में आता है. ठीक है, इसमें आरबीसी का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो से होता है. ठीक, अब हम बात करते हैं चिल्ड्रन की. सेकेंड हम देखते हैं चिल्ड्रन को. तो चिल्ड्रन में सारे बोन से आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि सिर्फ वही उन्हीं बोन से फॉर्मेशन होगा, ओनली दैट बोन विच कंटेन रेड बोन मैरो. ठीक है, चिल्ड्रन में लिवर और स्प्लीन से भी आरबीसी का फॉर्मेशन होता है. फिर हमने बात की एडल्ट्स में किसको हम देखें? 18 टू 20 ईयर, आफ्टर 18 टू 20 ईयर को हम एडल्ट्स में देखेंगे. ठीक है, इनमें आरबीसी का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो से ही होता है.
अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है? फिर जब हम इसका सेकेंड लेक्चर बनाएंगे तो उसमें हम उसका आंसर आपको पहले बताएंगे, उसके बाद हम इसको इसके आगे हम उसको लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। सेकेंड लेक्चर में इसके हम देखेंगे कि कैसे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, कैसे इरिथ्रोपोइसिस होती है, इनके स्टेजेस को देखेंगे, ठीक है? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं कि अगर एडल्ट्स में, ठीक है, हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, एडल्ट्स में अगर हम रेड बोन मैरो को हमने हटा दिया, रेड बोन मैरो को हटा दिया, तो आरबीसी का फॉर्मेशन फिर कहां से होगा? तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर हम जब लेक्चर सेकंड बनाएंगे तो उसके स्टार्टिंग में आपको बता देंगे। फिर से हम बता देते हैं कि अगर एडल्ट्स में मान लेते हैं कि कोई एक एडल्ट है जो कि अपना ब्लड डोनेट कर दिया, ठीक है, ब्लड डोनेट कर दिया, अब उसके पास एज्यूम हम सिर्फ कर रहे हैं कि उसके पास रेड बोन मैरो भी नहीं है, क्योंकि एडल्ट्स में रेड बोन मैरो से ही तो फॉर्मेशन होता है। तो कोई एक एडल्ट है, वो अपना ब्लड डोनेट कर दिया या फिर उसमें रेड बोन मैरो भी नहीं है, तो जब रेड बोन मैरो नहीं है तो आरबीसी का फॉर्मेशन कहां से होगा, ठीक है? आई होप यू लर्न द बेस्ट। So thanks for watching. Thank you. Take care. Bye.